मन में हम सर लड़का मेरा बिछड़ा प्यारा हो हमेशा प्यारे किधर गए हो बिल्कुल कहाँ है और क्या करे आजकल अपनी लाइफ में क्या चल रहा है तो सही तो आज की जोड़ी को लेकर बता नहीं रहे हम कैसे रह रहे हैं मम्मी कैसी लग रही है मम्मी जानना चाहती है कि वो कैसी लग रही है आज की जो वीडियो लेकर आए इसमें बाबा बागेश्वर धाम सरकार की वीडियो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है कि इमोशनल मदर को देखकर ऐसा करते हैं कि वीडियो को देख लेते हैं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना देखते हैं आज राधे राधे स्वागत है आपका गौरी गोपाल न्यूज़ में मैं हूँ श्रीराम शर्मा और आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना आपने आज तक नहीं की होगी हालांकि काफ़ी लोग तो समझ गए होंगे थंबनेल देखकर कि आज इस वीडियो में क्या होने वाला है फिर भी मैं थोड़ा सा आज आपको बता देता हूँ आज परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे आदरणीय श्री बागेश्वर धाम सरकार आज यहाँ गौरी गोपाल आश्रम पधार रहे हैं यहाँ माताओं से मिलेंगे माताओं के साथ में बैठ करके बात करेंगे चर्चा करेंगे उनका दर्द उनकी पीड़ा को समझेंगे और इसी के साथ में जो अन्य और भी सेवाएं यहाँ गतिविधियाँ जितनी भी चलती हैं सभी गतिविधियों को अवलोकन करते हुए उनको देखेंगे दृष्टिपात करेंगे हमें बड़ा अच्छा लगेगा पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार आज यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में पधार रहे हैं तो आइए हम तो स्वागत कर ही रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप भी उनका स्वागत करें और कमेंट में परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय बोलते हुए गौरी गोपाल भगवान की जय बोलते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे आइए दर्शन करेंगे पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में क्या क्या उन्होंने देखा और कैसा उन्हें यहाँ आकर के लगा ये सब अनुभव आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा धन्यवाद Well, no.
अभी नहीं कथा में बोलेंगे महाराज जी उनको, बाकी सब धाम वालों आप आ जाओ। राहुल जी मुझसे कह रहे हैं आज की वीडियो। तो देखा ही भाई फर्स्ट टाइम आज मैंने देखा वैसे इन दोनों को साथ में, ये एक बागेश्वर धाम से अच्छे लग रहे थे। दोनों काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, मतलब ना कभी नहीं ऐसा देखा कि एक बाबा के दरबार में इतने खुश, इतने खुश थे दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। और खास तौर पे वो देखने आए थे कि आश्रम है ना वहाँ पे बनाया हुआ, तो वहाँ पे लोगों को जो खाना है ना किस तरह से मतलब सर्व किया जाता है, कैसा खाना खिलाया जाता है, और मतलब सही से उनको खाना दिया भी जाता है या नहीं, उनको सही से खाना दिया जा रहा था। और यहाँ पे हमें जो मतलब होती है ना ऐसी लेडीज जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं, वो जैसे ओल्ड एज होम होते हैं वैसे वो जो है ना लेडीज यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। और उनको काफी अच्छे तरीके से देखा ना आपने, सिंगल सिंगल बेड रखे और काफी अच्छे कमरे थे, टीवी भी लगा हुआ है, हर चीज वहाँ पे मौजूद थी। और उनको उनकी वो मुश्किलात सुनकर आपको पता है जब इस तरह से कोई मिलने जाए तो कितनी ज्यादा दिल को खुशी होती है। उनको ऐसा लगता है हमारा बेटा ही हमसे मिलने के लिए आया है, तो काफी ज्यादा वो इमोशनल हो रही थी और बहुत ज्यादा उनको प्यार भी दे रही थी वो भी उनके साथ बात करके ना, उनको भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और दोनों साथ में इनकी जोड़ी काफी ज्यादा खुश थी, वो भी देख देख के खुश हो रहे थे। तो बहुत ज्यादा भाई अच्छा लगा मुझे देख करके उनकी वो प्रॉब्लम खुद पर्सनली आके उन्होंने सुनी और उनको ना मतलब आशीर्वाद दिया, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करते आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है।